हेलो दोस्तों, मैं हूं अंतेश्वर राम। कैसे धोएं हाथ, ये आज हमारा टॉपिक। हम अपने दैनिक कार्यों में हमेशा व्यस्त रहते हैं, जिससे हम ये भूल जाते हैं कि खाना खाने से पहले हमको ये हाथ धोना है। और हाथ ना धो के हम लोग वैसे ही खाना खाने लगते हैं। तो नंबर वन पे आता है, पानी से हाथ गीला करें और हाथों की सभी सतहों को धोने के लिए पर्याप्त साबुन लगाएं। यानी सबसे पहले हमको पानी लेना है, दोनों हाथों को गीला करना है पानी से, और पर्याप्त साबुन लेना है या फिर लिक्विड सोप लेना है, जिससे हम दोनों हाथों को रगड़ सकें। फिर आता है दूसरा नंबर, हमको करना है काम कि हाथों की हथेलियां आपस में ऊपर तक रगड़ें और कलाई भी शामिल हो। कलाई कहने का मतलब है, ये सब आएगा हम लोग कलाई में, सेम प्रोसेस दोनों में करना है। तीसरा नंबर में आता है, उंगलियां फंसाकर दाई हथेली बाई हथेली के ऊपर पिछले भाग पर रगड़ें और इसका विपरीत भी करें। यानी दोनों हाथों के ऊपर भी रगड़ना है और नीचे भी रगड़ना है। इसका मतलब यहाँ भी रगड़ना है और इसके नीचे भी रगड़ना है, इसका ऊपर भी रगड़ना है, इसका नीचे भी रगड़ना है। दोनों हाथों को अंगुलियों को फंसाकर ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसा ऐसा रगड़ना है। चौथा प्रोसीजर आता है, दोनों अंगुलियों को फंसाकर इंटर रेस कराना है। इंटर रेस करने से हम लोग के दोनों अंगुलियों में, अंगुली के साइड साइड में भी हम लोग का गंदगी रहता है, वो साफ हो जाता है। इन अंगुलियों को फंसाकर हथेलियां आपस में रगड़ें। पांचवा प्रोसीजर है, अंगुलियां फंसाकर अंगुलियों के पिछले भाग दूसरे हाथ की अंगुलियों से रगड़ें, यानी इंटरलॉक करने से हम लोग का जो फिंगर टिप रहता है, ये फिंगर टिप से हम लोग की गंदगी दूर हो जाती है। सबसे पहले इसका ये फिंगर टिप हुआ, तो दोनों हाथों को रगड़कर इस प्रकार रगड़े कि दोनों को क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर छठा प्रोसीजर होता है कि तर्जनी से लेके थंब तक, यानी हम लोग का तर्जनी ये है, तर्जनी ये होने से ये हम लोग का थंब है। तर्जनी और थंब तो रोटेट करते हुए हम लोग को तर्जनी से थंब तक ले आना है। ये सेम प्रोसीजर दोनों हाथों में करना है। छठा हो गया। सातवां प्रोसीजर है, फिंगर टिप को अपने थंब से पम में रगड़ना है। बाएं हथेली में बंद करके गोल गोल घुमाते हुए और इसका विपरीत भी करें। यानी कि ये फिंगर टिप है, फिंगर टिप के दोनों रोटेटर घुमाना है, ऐसे करके दोनों हाथों में सेम प्रोसीजर करना है। फिर आपका आ गया आठवां में, अपने हाथ को पानी में धोएं, यानी लेफ्ट टू राइट करके दोनों हाथों को पानी में धो लेना है। फिर आपका आता है नवा प्रोसीजर, पेपर टॉवल को हाथों को अच्छी तरह से सुखाएं और टेप 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 करके अपने हाथों को पोंछ लेना है, जिससे हमारे हाथें अच्छी तरह से साफ हो जाती है।